सिंगरौली सोनभद्र में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकाला। बड़ोली चौक पर मटका फोड़ कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए गद्दी छोड़ने की मांग की। घोटाले की बात करें, 4.5 साल में योगी सरकार सिर्फ घोटाले पर ही अपना शासन चला रही है। घोटाले, चोरी हो गया। अभी हाल में 2 दिन पहले की बात है कि प्रयागराज का जो कुंभ मेला लगा हुआ था उसमें 2,700 करोड़ रुपए का जो है वो इकट्ठा हुआ था, धन आवंटित था, लेकिन ये फर्जी काम किया। 32 ट्रैक्टर खरीदे, उसमें दिखाया जा रहा है कि 32 ट्रैक्टर इन्होंने खरीदा और सारे ट्रैक्टर फर्जी हैं। मोपेड के नाम पे हैं, स्कूटर के नाम पे हैं, पुरानी मोटरसाइकिल के नाम पे हैं, ये सारे फर्जीवाड़ा। ये करोड़ों का घोटाला किया है इन्होंने धर्म के नाम पर ही। वो धर्म की नगरी है, वहां से चोरी किया है इन्होंने, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं अपने आप को, कि वहां से चोरी किया है। इसके अलावा हमारे आम आदमी के लिए जो जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार ने बनाया है, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के माध्यम से गांव-गांव तक जल पहुंचाने का काम कर रही है, उसमें इन्होंने बड़ा घोटाला किया है। हमारे जो उत्तर प्रदेश का जल निगम है वो जो काम कराता है, वही काम जल जीवन मिशन जो है केंद्र सरकार के माध्यम से जो कराया जा रहा है, उसमें 50% से ज्यादा जो है कि दर पे जो है काम दिखा करके, खर्चा दिखा करके लूट मचाए हुए हैं। और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग ये बात नहीं कह रहे हैं, ये बात उनकी संस्था कह रही है, उनकी एजेंसियां कह रही हैं कि ये गलत हुआ है। जो काम जल निगम जो कराता है उससे 50 से 60% ज्यादा दाम बता कि हमारे आम आदमी के पैसा को इन्होंने लूटा, उसके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जाए।